नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 व्हेल। आज हम व्हेल के बारे में पढ़ेंगे। व्हेल क्या होती है? एक मछली, बड़ी मछली जो मछलियों में सबसे बड़ी होती है। वो कितने टन की होती है, वो क्या खाती है ना, वो कहाँ रहती है, आज हम सब इस पाठ में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ललित समुद्र के किनारे लहरों से खेल रहा था। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये ललित है और ये ललित समुद्र के किनारे खेल रहा है। अचानक समुद्र में एक भारी भूचाल सा आया और एक विशाल जीव दिखाई दिया। उसे अचानक से एक भूचाल सा दिखाई दिया समुद्र में और क्या दिखाई दिया, एक विशाल जीव। विशाल यानी बहुत बड़ा जीव। उसे देखकर वह डर के मारे कांपने लगा, उसे देखकर वो डर गया। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, छोटे राजा डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो उसमें से जो आवाज आई थी भारी भरकम, वो भारी भरकम आवाज किसकी थी? व्हेल की थी। और उसने उस बच्चे को क्या कहा कि राजा बेटा, तुम छोटे राजा हो, तुम डरो मत और मैं तुमको नहीं मारूंगी, तुम अपना नाम बताओ। यह सुनकर ललित की जान में जान आई। जान में जान यानी उसने राहत की सांस ली। वह बोला, मेरा नाम ललित है, तुम कौन हो? एक हंसी गूंजी, वो हंसने लगी, हाँ तुम्हारे जैसा विशाल जीव मैंने आज तक नहीं देखा। ललित बोला, ललित ने क्या बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे जैसा जीव मैंने आज तक नहीं देखा है, तुम कौन हो? तो सुनो मेरे राजा भैया, मुझे व्हेल कहते हैं। व्हेल ने क्या कहा कि मुझे क्या कहते हैं? व्हेल कहते हैं। थल, थल यानी जमीन, थल पर और जल में पाए जाने वाले जीवों में से मैं सबसे बड़ी हूँ। उसने क्या बताया अपने बारे में कि मैं थल पर और जल पर यानी धरती पर और पानी में सब सारे जीवों में से सबसे बड़ी कौन हूँ? मैं हूँ। मेरा वजन सुनोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे। उसने अपने वजन के बारे में बताया, अगर तुम मेरे वजन के बारे में सुनोगे तो तुम कैसे रह जाओगे? चकित रह जाओगे यानी आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे हाथी से कई गुना भारी हूँ, मतलब जितना हाथी भारी होता है उससे डबल, कई गुना डबल यानी उससे भी कई गुना भारी हूँ। मेरी लंबाई 100 से 125 फुट तक की होती है। छोटे मोटे जहाज़ों को मैं खिलौना समझकर उछाल देती हूँ, मतलब जो जहाज़ होते हैं छोटे छोटे उनको तो वो खिलौना समझती है और अगर वो उसके नीचे आ जाए तो वो उल्टे हो सकते हैं। ललित ने पूछा, तुम्हारा चेहरा तो मछली से मिलता जुलता है। हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं मछलियों की तरह अंडे नहीं देती, बल्कि बच्चों को जन्म देती हूँ और उन्हें दूध भी पिलाती हूँ। मेरा एक बच्चा हाथी के बराबर होता है, यानी उसका एक बच्चा किसके बराबर होता है? हाथी के बराबर। उसे 7 महीनों तक अपने पास रखती हूँ और उसे अपना दूध पिलाती हूँ। मेरा दूध भी कम ताकत वाला नहीं होता, मतलब उसका जो दूध होता है वो भी बहुत ताकतवर होता है। उसने क्या बताया कि मैं मछली जैसी दिखती हूँ पर मछली जैसे अंडे नहीं देती, वो बच्चे को जन्म देती है और उसे अपने 7 महीने अपने पास रखती है और उसे अपना दूध पिलाती है, उसमें बहुत चिकनाई होती है। ललित ने फिर पूछा, ठंडे पानी में जब तुम तैरती हो तो तुम्हें ठंड नहीं लगती? नहीं मेरे भैया, मेरी खाल के नीचे चर्बी की मोटी तह होती है, यानी जो उसकी ये जो खाल है, ये मोटी जो परत है उसकी नीचे भी मोटी की मोटी परत होती है यानी चर्बी, इस चर्बी की मोटी तह होती है यानी परत होती है जिसके कारण मुझे ठंड नहीं लगती, जिससे मुझ पर ठंडे पानी का असर नहीं होता। व्हेल क्या तुम सांस भी लेती हो? यह भी कोई पूछने की बात है, संसार का प्रत्येक जीव सांस लेता है। व्हेल ने क्या उत्तर दिया कि यह भी कोई पूछने की बात है, संसार का तो प्रत्येक जीव सांस लेता है। अन्य मछलियाँ अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं किंतु मैं फेफड़ों से ही सांस लेती हूँ, जैसे तुम लेते हो। हाँ मुझे सांस लेने के लिए समुद्र की तह से निकलकर बार बार ऊपर आना पड़ता है। पहले मैं अपने फेफड़ों की गर्म हवा को बाहर निकालती हूँ, फिर ताजी हवा अंदर लेती हूँ। व्हेल ने बताया, व्हेल ने क्या बताया कि वो कैसे सांस लेती है, जैसे छोटी छोटी जो मछलियां हैं वो तो अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं, मगर ये कैसे लेती है? फेफड़ों से, और इसको बार बार समुद्र से निकलकर बार बार ऊपर आना पड़ता है, और पहले वो अपनी अंदर की सांस यानी गर्म वायु को वो बाहर निकालती है, फिर ताजी हवा अंदर लेती है।
अरे वाह, तुम्हारे शरीर में पानी का फवारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर में कोई बाग है? ललित ने पूछा। ललित छोटा बच्चा है, वो क्या बोल रहा है कि अरे वाह, तुम्हारे शरीर में ये फाउंटेन यानी पानी का फवारा क्यों निकल रहा है? क्या तुम्हारे शरीर में कोई बाग है? नहीं बाबा, यह बाग का फवारा नहीं है। जब मैं गर्म हवा अपने शरीर से बाहर निकालती हूँ तब यह पानी का फवारा अपने आप निकलता है। यानी जब वो गर्म वायु अपने शरीर से गर्म वायु बाहर छोड़ती है तब उसके शरीर में से ये गर्म पानी का फवारा बाहर निकलता है। मुसीबत यह है कि इस फवारे को देखकर ही शिकारी लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मैं यहाँ घूम रही हूँ। मुसीबत क्या है उसके लिए कि वैसे तो ये पानी के अंदर रहती है, मगर जब इसको अपने शरीर से गर्म वायु बाहर निकालनी होती है तो ये समुद्र के ऊपर आती है। और जो शिकारी होते हैं, जो व्हेल को पकड़ने वाले लोग होते हैं, वो इस फवारे को देखकर पहचान जाते हैं कि जो व्हेल है वो यहीं कहीं घूम रही है। तो इसके आगे का भाग हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।